हाय कैसे हैं आप सब लोग उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खुश होंगे सुखी होंगे स्वस्थ होंगे ये जो रीडिंग है ये है कैंसर साइन के लिए कर्क राशि के लोगों के लिए जो मिड अगस्त है पंद्रह से तीस तारीख उसके दौरान जो भी एनर्जीज आपके इर्द गिर्द रहेंगी हम इसे इस रीडिंग इस में देखेंगे तो अगर आपका सन साइन मून साइन राइजिंग साइन प्लस आपका नॉर्थ नोड अगर कर्क राशि में है कैंसर साइन में है तो ये जो रीडिंग है आप लोगों के लिए है तो हम शुरू करेंगे मेरे एवरीडे डे डेक के साथ जो कि मेरा डेक है मैं पता नहीं कितनी बार ये बात कह चुकी हूं <laughs> तो शफल कर लेते हैं एक बार कर्क कर्क राशि कैंसर थैंक यू सो मच थैंक यू काफी स्मूथ शफलिंग uh, है तो इससे मुझे ये संकेत मिल रहा है कि आने वाला समय जो है वो स्मूथली uh, गुजर सकता है आप आप में से कुछ लोगों का राइट थैंक यू कर्क कर्क जैसे कुछ छिपा हुआ और कुछ आ, आप उसे सॉल्व करने की कोश, कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो चीज़ें सामने नहीं आ रही मुझे ऐसी ऐसा महसूस हो रहा है कुछ जैसे कुछ हासिल करना चाहते हैं कुछ छिपा हुआ है या कुछ ऐसा क्योंकि कार्ड्स निकलने में भी दिक्कत हो रही थी कार्ड्स जो हैं वो मैं निकालने की कोशिश कर रही थी लेकिन आ, वो निकल नहीं रहे थे तो कुछ कुछ छिपा हुआ है आपसे जिसे आप सामने लेकर आना चाहते हैं देखते हैं आपके कार्ड्स। कार्ड्सिक्स ऑफ पेंटिकल ये है कार्ड बैलेंस का सक्सेसफुल uh, रिलेशनशिप्स की और भी इशारा करता है गुड कर्मा जो अच्छा कर्मा है उसकी और भी इशारा करता है कुछ लोगों के लिए ये डोनेशंस की और भी इशारा करता है कि आप दान पुण्य जितना करेंगे उतना ही गुड कर्मा आपकी लाइफ में रिफ्लेक्ट होगा तो ये बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है अब आपके कार्ड्स देख लेते हैं हम्म hmm. सेवन ऑफ वॉन्स हो सकता है आप में से कुछ लोगों को पिछले कुछ दिनों में कुछ ऐसा हुआ हो जिसकी वजह से आपके जो दोस्त हैं आपके जो परिवार वाले हैं सभी आपसे रूठे हुए हैं खफा हो है। और आप सब आ, आप ना उन्हें मनाने की कोशिश कर रहे हैं जैसे ये मुझे आर्गुमेंट नजर आ रहे हैं आई डों लेकिन आपके बाकी कार्ड्स देखते डिटेल में देखेंगे अभी हम सेवन ऑफ पेंटिकल Another seven. Hmm. Spiritual awakening, seven chakras. कुछ है गाइस जो कि शिफ्ट हो रहा है आपकी लाइफ में ये वेट का कार्ड है कि आपने कुछ इन्वेस्ट किया था लेकिन अभी आपको कोई ग्रोथ नहीं नजर आ रही है वेट का पीरियड चल रहा है ये उसके बारे में है देखिए मैं पहले मैंने पहले भी कहा कि कार्ड्स कुछ अच्छा व्यवहार नहीं दिखा रहे <laughs> देविल, देविल। हम्म hmm. कैप्रिकॉन की एनर्जी तो हो सकता है आप में से कुछ लोग कैप्रिकॉन के साथ कनेक्टेड हो फाइव ऑफ सी नाउ ओके दिस इज अट टू टेक ये काफी uh, काफी कुछ चल रहा है कैंसर कर्क राशि के लोगों के लिए बैलेंस आप क्रिएट करना चाहते हैं अपनी लाइफ में मेरे ख्याल से आप में से बहुत सारे लोग रिलेशनशिप चाहते हैं और आप किसी के साथ बातचीत कर रहे हैं ऐसा नहीं कि आप सिंगल हैं आप किसी के साथ बातचीत कर रहे हैं ये जो भी शख्स है अगर मैं शुगर कोट ना करूं शब्दों को और आसानी से आपको बताने की कोशिश करूं तो ये ही जो शख्स ये जो शख्स है ना ये ना तो आपका सोलमेट है ना ही आपका ट्विन फ्लेम है लेकिन ये शख्स आपका कार्मिक पार्टनर है इस शख्स के साथ कुछ ऐसे साइकिल्स uh, जुड़े हुए हैं आपके जो आपको पूरे करने हैं और टू तो बी ये शख्स आपके लिए अच्छा नहीं है क्योंकि कार्मिक पार्टनर है तो ऑब्वियसली परेशानियां मुझे देखने को मिल रही हैं इन कार्ड्स में हो सकता है ये शख्स आपको काफी uh, वादे करता हो फिर बाद में वो वादे तोड़ भी देता हो, हो सकता है ये शख्स आप आ, आपके अलावा और भी बहुत सारे लोगों के साथ बात करता हो आप ना बहुत एडिक्टेड है लेकिन इस इस शख्स के लिए इस इस शख्स के लिए आप बहुत ज्यादा पैशनेट हैं और आपको लगता है कि नहीं ये आपका सोलमेट है यही आपका ट्विन फ्लेम है देखिए ये जनरल रीडिंग है आपको अगर मेरी बातें अच्छी ना लगे तो आप, आप मत देखिएगा ये रीडिंग लेकिन जो मुझे नजर आ रहा है मैं उसे वही बताऊंगी ये शख्स अच्छा नहीं है ये जो भी शख्स है ये शख्स के और ये शख्स और भी बहुत सारे लोगों के साथ बात करता है और जब ये शख्स आपसे ये कहता है कि हाँ अब मैं सोने जा रहा हूँ या सोने जा रही हूँ ये शख्स तब आपको बाय कहकर दूसरे लोगों के साथ बात करता है डेफिनेटली लेकिन आप इस शख्स के साथ काफी इमोशनली अटैच हैं और आपको लगता है ये जो शख्स है ये शख्स आपका सोलमेट है लेकिन अगर आप इस, इस कार्ड को ध्यान से देखें ये जो ये जो डेविल का चेहरा है ना वो वुमन की ओर है ये शख्स डेविल की ओर नहीं देख रहा है ये सिर्फ वुमन की ओर देख रहा है लेकिन इस 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 वुमन के लिए ना ये डेविल बीच में है इस इसकी नज़र उस पर है तो जिससे मुझे ये पता चल रहा है कि जो ये जो भी रिलेशनशिप है इसमें एक शख्स तो बहुत ऑनेस्ट है बहुत ही दयालु है और बहुत ही सच्चाई के साथ इस रिलेशनशिप को निभा रहा है लेकिन एक एक शख्स ऐसा है जो कि बहुत मैनिपुलेटिव है बहुत ही झूठा है और बहुत ही टॉक्सिक है शख्स आपके अलावा और भी बहुत सारे लोगों के जज्बातों के साथ खेल रहा है अगर अभी तक आपको नहीं पता तो आई एम सॉरी मैं आपको ये सब बातें बता रही हूं लेकिन टैरो का मतलब यही है आपको गाइडेंस देना आपके आपके जीवन को बेहतर बनाना तो अगेन मुझे लग रहा है कि आप चाहते ये हैं लेकिन अभी फिलहाल आपको ये मिल रहा है अगर ये मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट हो रहे हैं ना कैंसर साइन कर्क राशि के लोग तो प्लीज इस रिलेशनशिप को खत्म कीजिए क्योंकि मुझे मुझे लग रहा है कि जब आप इस रिलेशनशिप को जी, जो भी कॉन्वर्सेशन जिस शख्स के साथ भी आप करते हैं अगर आप जब भी इस 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 चीज को खत्म करेंगे ना ये एनर्जी जो है सिक्स ऑफ पेंटिकल की जिसमें इक्वली आप प्यार देंगे इक्वली प्यार लेंगे बैलेंस गुडकर्मा ये उसके एक्सक्यूज मी ये उसके बारे में संकेत देता है ये कार्ड तो ये जब तक आप ये नहीं ख़त्म करेंगे ना तब तक ये चीज़ आप मैनिफेस्ट नहीं कर सकते आप चाहते ये हैं आप दिलो जान से चाहते ये हैं लेकिन आप फंसे इस एनर्जी में अगर आप इस एनर्जी में रहना चाहते हैं तो फिर ये आपकी मर्जी है लेकिन मैं आपको गाइडेंस दे रही हूँ कि ये चीज़ अच्छी नहीं है ये चारों के चारों कार्ड्स बहुत ही बहुत ही बुरी एनर्जी दे रहे हैं मुझे टू बी ऑनेस्ट मैंने जब कार्ड शफ़ल किए ना तभी मुझे अच्छी एनर्जी महसूस नहीं हुई थी तभी मुझे लग गया था कि जैसे कुछ छिपा हुआ हो आपसे और आप उसे आ, कुछ कुछ कड़ियाँ जो है आप उसे जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो जोड़ नहीं पा रहे हैं तो लेकिन अभी शायद आपको आपने ये रीडिंग देख ली है तो आपको शायद कुछ गाइडेंस मिल जाएगी इसके अलावा मुझे ये भी नजर आ रहा है कि आपका जो अगर करियर देखा जाए तो करियर में भी ना काफ़ी गॉसिपिंग हो रही है आपके बारे में आपका जो वर्क प्लेस है उसमें जो आपके आपके जो साथी हैं जो आपके साथ काम करते हैं वो आपकी सक्सेस से खुश नहीं है उन्हें लग रहा है क्योंकि आपको लाइम बहुत मिल रही है मुझे य, य, ये शब्द बहुत सुन रहा है जैसे लाइम तो आपको शायद आपका आप अपने काम में काफ़ी प्रगति कर रहे हैं उसकी वजह से ना कुछ लोग कुछ लोग खुश नहीं हैं कुछ लोगों को वो नहीं चाहिए कुछ लोग चाहते हैं कि आप आपका मंगल ना हो आपका 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 आपकी फतेह ना हो ऐसी ऐसी एनर्जी है और मुझे लग रहा है ऐसी एनर्जी को आपने इसीलिए अट्रैक्ट किया है और अपनी लाइफ में क्योंकि आप खुद इस एनर्जी के बीच में है उसे मैनिफेस्ट कर रहे हैं हम जिस ऊर्जा में होते हैं ना गाइस उसी ऊर्जा को हम मैनिफेस्ट करते हैं तो आप अगर इस ऊर्जा में रहेंगे तो आप ऐसे ही ऊर्जा को मैनिफेस्ट भी करेंगे क्योंकि आपका आपका जो आपकी जो फाउंडेशन है उसमें जो आप पानी सींच रहे हैं वो टॉक्सिक पानी सींच रहे हैं तो वो जो वृक्ष उगेगा जो उसमें फल उगेंगे वो भी टॉक्सिक ही होंगे ऑब्वियसली राइट right? तो इस रिलेशनशिप में मुझे कुछ प्रगति नजर नहीं आ रही कुछ भी अच्छा नजर नहीं आ रहा ये जो भी शख्स है ये काफी मैनिपुलेटिव है टॉक्सिक है Uh, ये कुछ अच्छी बातें भी नहीं करता जब भी आपसे बात भी करता है तो ये बहुत ही मैनिपुलेटिव टॉक्सिक बातें करता है आपको फंसाने की आपका दिमाग आपका ब्रेन वॉश करने की कोशिश करता है मुझे uh, मुझे uh, मुझे वैसी चीज़ें नजर आ रही हैं आई डोंट नो वाई और टू बी ऑनेस्ट ये कोई फीमेल हो सकती है अगर आप uh, ये देख रहे हैं ना तो ये मुझे कोई फ़ीमेल नजर आ रही है लेकिन कुछ कुछ भी हो सकता है आई I मीन mean, ये जनरल रीडिंग है जेंडर न्यूट्रल रीडिंग है तो इसमें कुछ भी हो सकता है आप अपने हिसाब से अपनी सिचुएशन के हिसाब से देख लीजिएगा लेकिन मुझे यहाँ एक वुमेन नज़र क्योंकि मुझे इस कार्ड में ना ये वुमेन ये राक्षस का चेहरा इसकी और है तो मुझे उसकी वजह से लग रहा है कि अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो ये उसी की ओर इशारा करता है कि आप कुछ अच्छे रिलेशनशिप में नहीं हैं आ, ये जो शख्स है काफ़ी टॉक्सिक है आप आपसे आपको कुछ भी आप इस ये शख्स आपकी ग्रोथ नहीं चाहता ये शख्स आपको इमोशनली डैमेज करेगा आपका फिजिकल जो रूटीन है उसमें उसको बर्बाद करके रख देगा ये चीज़ ये शख्स आपको लेज़ी बना रहा है आपको बुरी आदतों में डाल रहा है आपका जो थाट पैटर्न है उसको गंदा कर रहा है आपके विचारों को मैला कर रहा है दिल को काला कर रहा है आप अच्छे इंसान हैं लेकिन ये शख्स की एनर्जी के बीच में रह कर, आप खुद मैले होते जा रहे हैं गंदे होते जा रहे हैं तो अब आपके ऊपर है कि आपको इसी एनर्जी में रहना है या आपको इस एनर्जी को चेंज करना है मैंने तो आपको जो कार्ड्स में मुझे नजर आया मैंने बता दिया आपको अगर आपके वर्क प्लेस में भी कुछ ऐसे लोग हैं तो अभी क्या करना है आपको पहली बात उनसे थोड़ा सा दूरी बना लीजिए अगर हो सके तो अपना करियर चेंज कर लीजिए क्योंकि ऐसे लोगों के बीच में रहकर प्रगति क्या होगी वो ऐसी ही ऊर्जा आपको देंगे लेकिन अगर आपको पूरी तरीके से चीजों को ठीक करना है तो आपकी जो फाउंडेशन है उसे आपको ठीक करना होगा आपकी अगर फाउंडेशन ठीक होगी तब आपका जो आपकी जो इमारत है वो भी सुरक्षित ही होगी है ना तो ये उसी चीज की ओर इशारा करता है अब आपके जो एफर्मेशन कार्ड है वो देख लेते हैं फॉर कैंसर कर्क राशि के लोगों के लिए थैंक यू अगेन मुझे कार्ड्स में ना कुछ अच्छी एनर्जी महसूस नहीं हो रही मेरे कार्ड्स मेरे लिए मेरी मेरी इबादत हैं और मुझे ये पहले से ही संकेत दे देते हैं मेरे कार्ड्स कभी का गलत नहीं हो सकते हैं आई एम इनाफ आप सिंगल होने से डरते हैं आपको लगता है कि अगर आप सिंगल हो गए कोई बातचीत करने के लिए नहीं हुआ आप मुझे लग रहा है काफी एडिक्टेड है जैसे मैंने पहले कहा आप काफ़ी एडिक्टेड हैं इस पर्सन से क्योंकि ये शख्स ना जो आपका आपके जीवन में जो बोरियत है उसे खत्म करता है चाहे आप जितनी भी समय के लिए भी बात करते हो आपको लगता है कि इससे आपका समय जो है अच्छा बत, बतीत हो रहा है लेकिन ये जो शख्स है ये अच्छा नहीं है और आपको सिंगल होने से डर लगता है इसीलिए आप क्या है इस शख्स से दूरी नहीं बना पा रहे हैं लेकिन आपके लिए एफरमेशन निकली है आई एम इनफ आप काफी हैं अपने आप में अगर आप सिंगल भी हो गए अकेले भी हो गए तब भी चीजें अच्छी ही होंगी आप में वो काबिलियत है खुद के जीवन में अपने बैलेंस को रिस्टोर करने की आई एम विजनरी चाहते आप ये हैं आपका विजन जो है आपके जो ड्रीम्स है वो चाहते आप ये हैं, लेकिन आप मैनिफेस्ट ये कर रहे हैं अगर आपको अच्छी चीज़ें चाहिए कैंसर मैं बहुत ही स्ट्रांगली आपसे कहूँगी प्लीज़ इस रिलेशनशिप को ख़त्म कीजिए इससे बाहर निकलिए आप ये डिज़र्व नहीं करते आप ये डिज़र्व करते हैं ये रिलेशनशिप क्यों अपने आप को इतने uh, मुसीबतों में डालना इतनी गंदी एनर्जी में रखना मुझे बताओ ऐसी भी क्या डेस्पीरेशन है बुरे रिलेशनशिप में रहने से अच्छा है अच्छे रिलेशनशिप के इंतजार के लिए थोड़ा सा वक्त अकेले गुजार लीजिए अपने आप वो रिश्ता आ जाएगा इतनी डेस्पिरेशन क्यों है आई एम न्यू आइडियाज न्यू रिलेशनशिप न्यू आइडियाज न्यू करियर न्यू रिलेशनशिप न्यू बिजनेस प्लान नई ऊर्जा ये चाहिए आपको आपका सबकॉन्शियस ये चाहता है लेकिन आप इस एनर्जी इस में फंसे हुए हैं प्लीज स्टॉप इट बंद कीजिए इसे और इस एनर्जी में आई है आई एम मैजिकल तभी मैजिक क्रिएट होगा आपकी लाइफ में जब आपकी ऊर्जा अच्छी होगी अगर आपकी ऊर्जा अच्छी नहीं है तो मैजिक का जो उल्टा होता है शब्द मुझे नहीं पता उसे क्या कहते हैं हिंदी में <laughs> तो वो आप उसे मैनिफेस्ट करेंगे तो वो आपके ऊपर है भाई कि आपको ये मैजिक क्रिएट करना है अपनी लाइफ में या आपको अपनी लाइफ में जो सफरिंग है उसे उसे क्रिएट करना है मुसीबतों को क्रिएट करना है मैं चाहती हूँ कि आप अपनी लाइफ में मैजिक क्रिएट करें अपनी लाइफ में बैलेंस क्रिएट करें एक अच्छा सोलमेट आपकी लाइफ में आए जिसके साथ आप अपना जीवन का ही शुरुआत कर सकें ऐसी गंदी एनर्जी में रहने की क्या जरूरत है गाइस मुझे बताओ मुझे तो समझ नहीं आता कुछ लोग इतने क्यों डेस्परेट हो जाते हैं कि वो नहीं निकल पाते ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप से प्लीज फॉर गॉड सेक इसे खत्म कीजिए अपनी ऊर्जा को अच्छा कीजिए पानी ज़्यादा पीजिए अच्छे अच्छे खाना खाइए टाइम पर सोइए टाइम पर उठिए एक्सरसाइज कीजिए अच्छी किताबें पढ़िए अच्छी अच्छी मूवीज़ देखिए अच्छे अच्छा संगीत सुनिए बहुत सारे लोग हैं जो सैड गाने बहुत सुनते हैं मुझे नहीं पता क्यों सैड गानों से आपका जो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है ना वो हर बात को रिकॉर्ड करता जाता है रिकॉर्ड करता जाता है और वो वही चीज़ों को मैनिफेस्ट भी करेगा तो फिर गॉड से एक अच्छी चीज को सुनिए ताकि अच्छी चीजें रिकॉर्ड हों और वही चीजें आपकी रियलिटी में मैनिफेस्ट हों सिंपल इज दैट राइट मैजिक को क्रिएट कीजिए मैजिक आपकी लाइफ में क्रिएट होना चाहता है लेकिन अब उसे उस ऊर्जा को आने दीजिए उस ऊर्जा का स्वागत कीजिए और इस एनर्जी से बाहर निकलिए तो अब तक के लिए इतना ही गाइस कैंसर जो साइन है उनके लिए इस रीडिंग में अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो मुझे मुझे पता है थोड़ा सा रफ रीडिंग गई है आपकी लेकिन टैरो का असली मकसद ही यही है कि निराशा में जब हम हों जब चीज़ें बुरी हों तो उनमें रोशनी कैसे ढूंढी जाए तो ये रोशनी की किरण मैं आपको दे रही हूँ और वो यहीं से शुरुआत होगी कि आप इस रिलेशनशिप से बाहर निकलें और ख़ुद को थोड़ा वक्त दें संभलने का सवरने का ठीक है तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट रीडिंग में बहुत जल्द तब तक के लिए बाय बाय गाइस टेक केयर